बरसाते का भाई आज का एपिसोड बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि जो एक ये नया कैरेक्टर सामने एकदम से उभर कर आ रहा है, वो थोड़ा सा मतलब अब आंखों में चुभने लगा, क्योंकि एक्चुअल में ये मतलब मुझे भी नहीं थी एक्सपेक्टेशन कि इतनी तेजी से इस कैरेक्टर को उठाएंगे, इतना ज्यादा वो एकदम से मतलब हो जाएगा कि जो मन में वो बोले जा रहा है कुछ मतलब ये नहीं कि भाई किसको क्या फील हो क्या नहीं फील हो, उसको सिर्फ अपने से मतलब है। तो ये चीज मतलब आज के एपिसोड इस तरीके से दिखाई ना गजब तरीके से, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में भाई पहले आराधना के ऊपर सवाल खड़े कर दिए कि भाई तू अपना ध्यान रखा करो, तुम ये किया करो, तुम वो क्या करो, क्योंकि भाई क्या है हम लोग ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो आराधना है वो बार बार किसी न किसी मुसीबत में कुछ ना कुछ होके वो मतलब फंस जाती है, और इसकी वजह से भाई उसको टेंशन होती है कहीं ऐसा ना हो कि जो भी वो कांड कर रहे हैं उसकी वजह से उनका काम लगे या फिर कुछ उल्टा सीधा हो जाए। सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, कैसा होता है, किस तरीके से चीजें वो ट्विस्ट एंड टर्न होती हैं, और क्या हमें देखने को नया मिलता है, क्योंकि लिटरली ये कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्लस मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि जो क्या नाम है मीमी है वो क्यों अपने जो दामाद है उससे दब रही है, दबने का कोई मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा और कुछ ऐसा ठोस रीजन मुझे तो लगता कि है कि वो दबे, लेकिन नहीं यहाँ पे वो लगातार दबते हुए हमें नजर आते हैं, क्यों क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लग रही किस तरीके से हो रही है। उसके अलावा दूसरी तरफ काव्या सॉरी आराधना और जो ये क्या नाम है रियांश है, इनके बीच में एक छोटे छोटे से मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं नोक झोंक के रोमांटिक से, वो बड़े भाई मुझे अच्छे लगते हैं बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों ना एक दूसरे से इतने ज्यादा मतलब मतलब एक कपल गोल्स देते कि मजा आता है देखने में, पर लोगों ने बहुत ज्यादा मजा आता है देखने में, और आई होप कि ये जो चल रहा है ना कपल गोल्स वाला सिलसिला, ये कपल गोल्स वाला सिलसिला भाई लगातार चलता रहे और ये कपल गोल्स ना कभी खत्म ना हो ना ही खत्म हो, जब तक सोशल तब तक। अब इसके बाद जो अगली चीज मुझे आज के एपिसोड में अच्छी लगी वो ये कि जो रियांश है वो सो रहा था, ठीक है वहां पे कौन आता है, वो आता चंडीगढ़ वाला, वो आता है उसके गलों पे हाथ लगा के उसको मतलब ऐसा लड़की वो उसको कहता है कि भाई देखो ये है वो है वो है ये है, और यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे है वो भाई एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जहां से वो भाई मतलब इतनी आसानी से अपनी इज्जत को बचाए हुए नहीं निकलेगा। अब वो यहाँ पे क्या करते हैं, अब वो क्या मतलब उसे देख लिया होता है कि आराधना उसको बोलती है क्या कहते हैं विक्रम सर मैं ऑफिस जा रही हूँ मतलब घर जा रही हूँ ऐसे करके बोलती है, तो वो खुद छोटी आपको देख लेते कि अरे ये तो जा रही है, उसको समझ पाता है कि भाई आराधना नहीं है ये कोई और ऐसा नहीं चंडीगढ़ वाला लड़का होता, और भाई यहाँ पे वो मजे लेने की कोशिश करता है रियांश से, लेकिन रियांश उल्टा उसके मजे ले लेता भाई उसके गले और सॉरी उसके मुंह पे हाथ लगा कर आ जा तो किस करूँ किस करूँ ऐसे करके भाई वो मतलब एकदम से अनकंफर्टेबल होता है, उठ के बाद क्या होता है कि वो मतलब उसके पास जाता है ठीक है उसको पकड़ता है अलग टच करो ऐसे ऐसे करके कुछ कदक कर रहा होता है इसको लेकर, फिर क्या होता है एकदम से हाथ बढ़ाता है और वो कॉफी लेता है ठीक है, वो कॉफी लेकर क्या करता है लो लो लम जानू कॉफी पिलाओ ऐसे ऐसे करने लग जाता है भाई, वो बंदा इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है चंडीगढ़ वाला कि वहां से भाग लेता है, ऐसे गायब होता है ऐसे गायब होता है कि भाई मजा आ गया देखने में, और जिस तरीके से उसके बाद जो रियांश को लेकर रिएक्शन सामने आया सभी का भाई अमेजिंग बहुत अमेजिंग। अब इसके बाद क्या होता है भाई आराधना पहुंचती है कैफे कॉफी पीती है, और वहां पर पता चलता है कि वो जो उनकी समधन जी हैं ठीक है मिमी की, अब वहां पर क्या है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक तिगड़म बैठा मतलब सही नहीं है उनका बैकग्राउंड कुछ ना कुछ सी मतलब है लफड़ा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पता चलता है कि जो उनकी समधी हैं उनका एक भाई भी था समधन का ठीक है, और वो भाई क्या था वो जेल में था, उसका नाम क्या था नरेंद्र करके कुछ है। अब यहाँ से भाई एक और नया चैप्टर शुरू होता है नरेंद्र का, यहाँ पे रियांश आया था कुछ देर बाद, फिर रियांश का और जो फिर जो कैफे के ओनर होते हैं उनके बीच में जो मतलब एक देखने को मिलता है ना भाई साहब वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है सीन,
बहुत ज्यादा, वो भी बड़ा एंटरटेनिंग सीन था, क्योंकि जिस तरीके से जो हमारी कैफे वाली आंटी फ्लर्ट कर रही होती हैं, ओहो भाई, मतलब भाई मजा आ गया देखने में, बहुत ज्यादा मजा आया। क्योंकि इस तरीके से जैसे मतलब जो फ्लर्ट करते हैं भाई सब सबके साथ, रियांश के साथ, वो भी जब आराधना होती है तब, तो भाई उसका तो एक अलग ही लेवल है भाई, बड़ा मजा आता है। अब इसके बाद जो एक और चीज है वो आज के एपिसोड मुझे अच्छी लगी, वो ये कि रियांश के पापा को छोड़ा नहीं, वरना आराधना के मम्मी पापा को तो बिल्कुल छोड़ दिया, कोई मतलब हमें देखने को मिला नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हमें आज ये देखने को मिल गया कि रियांश अपने पापा से बात कर रहा है, और पापा का डिस्क्रिप्ट परसों के एपिसोड में होती है जहाँ पर उनकी तबीयत खराब हो रही है, ये बताया है गया था। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई साहब जो रियांश अपने पापा को बुला लेता, उनसे बात बात करता, उनको बोलते फटाफट आ जाओ आप यहाँ पे, ठीक है यहीं पे ही रहो, 5 घंटे का रास्ता से फटाफट आ जाओ, फिर हम लोग यहीं पे बैठ के बढ़िया मतलब रहो, तो मुझे भी आपकी नीड है, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। तो भाई वो बात करते कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ये चीज थी अच्छी थी, पर्सनली अच्छी थी। अब एक जो अगली बात है वो ये कि अब आराधना उस स्टोरी को लेकर काफी सीरियस हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि मतलब जो मूर्ति वाला सीन है उसको मतलब पकड़ के बैठी, और ये पीछे लगी कि भाई इस मूर्ति के पीछे का क्या रहता है वो पता करके रहे। एंड इसकी वजह से क्या है कि अब आराधना के ऊपर एक कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ एक मतलब थोड़ी सी मतलब, हमने देखा भाई पहले उसके ऊपर गोली से अटैक हुआ, फिर उसके एक्सीडेंट, उसको एक्सीडेंट करवाने की कोशिश, उस पर खतरा मंडरा रहा है। एंड ये देखना मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि खतरा कितना ज्यादा मेजर और बड़ा होगा इस पूरे इंसिडेंट को क्लोज करके स्वाइप अप करने के लिए। आई विश कि इसका जो तो फिनाले हो इस पूरे सीक्वेंस का बढ़िया अच्छा हो, ठीक है। और अब देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि कल अब एक और बड़ा इवेंट है, ठीक है, मीमी के यहाँ पे, तो उस इवेंट को देखते किस तरीके से मैच करते हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बरसाते का आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और आने वाले एपिसोड से लेकर आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। और इसी तरीके से बरसाते का आने सभी एपिसोड की गाने रिव्यू से जुड़े आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिलता हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।